नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपको आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 15 दिनों में मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में कई मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक स्थिति निर्मित है, चुनौतियां निर्मित है। वीडियो के लास्ट में कुछ खास सलाह के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयास में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव आपके पराक्रम भाव पर 15 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के लाभ भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में राहुदेव आपके लगन भाव पर और केतुदेव आपके राशि के वैवाहिक भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके राशि के 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर इन 15 दिनों में उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 तारीख तक आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में बुध और शुक्र की उपस्थिति भी आपके राशि के लिए लगन भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। तो जहां तक बात करें करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में, यह समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो कर्म क्षेत्र का विचार राशि के दशम भाव से करते हैं। दशम भाव के स्वामी शनिदेव राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके राशि स्वामी होकर पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये 15 दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने के लिए सहायक रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको चुनौतियों का सामना जरूर करना चाहिए। लगन भाव पर सूर्यदेव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में काम का दबाव मेष राशि वाले जातकों के ऊपर काफी ज्यादा रहने वाला है, लेकिन राशि स्वामी मंगल की स्थिति बेहतर है तो आप जीवन में व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी पेशा जातक भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस समयावधि में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर जैसी चीजों को कर्म क्षेत्र में चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव के स्वामी स्वयं धन भाव पर ही गोचर करने वाले हैं और राशि के लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव पर गोचरी अवस्था में इस महीने की समयावधि में 15 दिनों में रहने वाले हैं। तो यहां पर आर्थिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। सामान्य से भी बेहतर स्थिति आपके जीवन में बन रही है। 11वें भाव पर शनि की उपस्थिति आपके जीवन में अकस्मात और कई क्षेत्रों से धन लाभ प्राप्त के लिए सहायक रहने वाली है। हालांकि लगन पर सूर्य राहु की उपस्थिति व्यर्थ के खर्च आपके जीवन में बढ़ाने वाली है। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं तो मेष राशि के जातकों को
यहां पर सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। कर्ज जैसी स्थितियों से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा धन के जाया होने से आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, लगन पर राहु का प्रभाव बना हुआ है, सूर्य के साथ बना हुआ है, तो पारिवारिक संबंधों के मामले में मिला जुला प्रभाव इन 15 दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में कुटुंबी जनों के साथ आपके कलह की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए पारिवारिक जीवन में समन्वय बरतने की प्रबल आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। किसी प्रकार की गलतफहमी को लेकर प्रियजनों के साथ झगड़ा जैसी स्थितियों को निर्मित करने से बचें। वाणी पर आपको संयम जरूर बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, दोस्तों सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए इस समयावधि में रचनात्मकता और आपके उत्साह में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में सफलता की विशेष संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में विद्यार्थियों के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों का विचार राशि के पंचम भाव से करते हैं। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचरी अवस्था में लगन भाव पर रहने वाले हैं, तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में आपको समन्वय बैठाकर ज्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में विराजित हैं, जिसकी वजह से जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में लगातार चुनौतियां और वैचारिक मतभेद वैवाहिक जीवन में बना हुआ है या वैवाहिक संबंधों में आपको अशांति मिल रही है, इससे निपटने में आपको काफी राहत देखने के लिए इन 15 दिनों में मिलने वाली है। संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना मेष राशि वाले जातकों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु का लगन भाव पर गोचर होना अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव लाने की संभावना भी निर्मित कर रहा है। तो ऐसे जातक जिनके जीवन में विवाह की कामना लेकर आप चल रहे हैं, जिनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, उनके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। अगर हम आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दें तो मेष राशि वाले जातकों 15 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में मंगल देव की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपके राशि के लगन भाव पर सूर्य राहु की उपस्थिति बनी हुई है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मानसिक रूप से उलझने, तनाव और बेचैनी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और राहु की उपस्थिति कहीं न कहीं मानसिक तनाव, माइग्रेन और घबराहट की समस्या आपको देने वाली है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना, रोजाना ध्यान करना काफी बेहतर रहेगा। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर और आशा के अनुरूप रहने वाला है। आपको एक खास बात और ध्यान देकर चलना चाहिए, गुरु आपके लगन भाव पर 22 तारीख के पश्चात राहु के साथ गोचर करेंगे। तली भुनी भोज्य पदार्थों से जुड़ी हुई चीजों का, चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से, वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से
मेष राशि के जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर हम आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो मेष राशि वाले जातकों को दो खास बातों का ध्यान इस समयावधि में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले व्यर्थ की सलाह किसी भी व्यक्ति को देने से आपको बचना चाहिए और जीवन में मान सम्मान देने का भाव आपके अंदर जरूर होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति और अपने जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की सम्मान करने का भाव आपके अंदर इस समयावधि में जरूर होना चाहिए तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दूसरा, मेष राशि के जातकों को, क्योंकि गुरु राहु की उपस्थिति 23 तारीख के पश्चात आपके राशि के लगन पर बन रही है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ झूठा वादा करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक समस्याएं आपके जीवन में हावी होने का प्रयास करने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, तो मेष राशि के जातकों को ओम अंग अंगारकाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। प्रत्येक जातकों को सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए और योगाभ्यास करना, सूर्य नमस्कार करना बेहतर रहने वाला है। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से आपको जीवन में बेहतर संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।